कैसे यार, मतलब ये चीज कोई बंदा कैसे कर सकता है टाउन हॉल 4 पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो जो कि वो आ चुकी है, और आज का वीडियो का टॉपिक चालू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज, टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, जैसे कि आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले बहुत ही यूनिक बेसिस, जो कि मतलब हर बेसिस से अलग होंगे, जो बाकी जो नॉर्मल बेसिस होते हैं उनसे काफ़ी अलग होंगे वो बेसिस। तो आज हम लोग वैसे बेसिस देखने वाले, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, और लाइक ज़रूर करना, और जो नए बंदे चैनल पर आ रहे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार। ऐसे और भी अमेजिंग एंड ओपी वीडियोस मैं आपके लिए गाइस इन फ्यूचर में लाते रहूँगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और गाइस, इंस्टा पे जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी जो भी अपकमिंग वीडियोस आने वाली रहेगी। तो गाइस लेट्स गो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड चालू करते हैं आज का टॉपिक। ज़्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आज का पहला बेस की ओर जाते हैं हम लोग, देखते हैं उसमें कौन सी ऐसी यूनिक एंड डिफरेंट चीज होगी, वो बेस में हम लोग जरूर देखेंगे। तो लेट्स गो गाइस, पहला बेस सर्च करते। तो सर्च करते गाइस आज की पहली आईडी, देखते हैं ऐसी कौन सी यूनिक चीज है इस आईडी में। ओके, टाउन 11 की आईडी 170107 एक्सपी है बंदे की, बहुत ओपी, 2000 वॉच स्टार्स भी अच्छे खासे कर लिए बंदे ने, और हीरोज भी अपग्रेडेड है काफ़ी। और बेस देखते टी एच 11 का आईडी, ओ भाई साहब गाइस, देख सकते हो आप लोग ये बंदे का बेस, ये बंदे ने रिसोर्सेज अपग्रेड कर रखे, अपने जो एलेक्जर कलेक्टर होते हैं वो चीज़ें सब अपग्रेड कर रखी है, बट अभी तक ये बंदे ने एक भी डिफेंस खरीदा नहीं है। इसके जो लेआउट है उसमें एक भी डिफेंस आपको देखने नहीं मिलेगा गाइस, देख सकते हो आप लोग क्या ही ओपी तरीके से मेंटेन किया। ये शायद बहुत ही पुराना बंदा होगा, जब गेम स्टार्टिंग में आई थी तभी से शायद ये खेल रहा होगा, इसलिए इतनी अच्छी आईडी इसने बना रखी है। अभी मेरे को इतना याद नहीं गाइस कि कब तक ये अपडेट चलता था, जब तक हम चीज़ें सेल कर सकते थे, शायद ये तभी का प्लेयर है, बहुत पुराना एंड बहुत ओपी है गाइस। पहले क्या होता था, आप लोग बेस अपग्रेड कर सकते थे, जितना चाहिए उतना बेस अपग्रेड कर सकते थे, खाली आपकी स्टोरेज उतनी होनी चाहिए थी, बस यही एक चीज़ चाहिए होती थी पहले। बाद में ये चीज़ें सब बंद होगी धीरे धीरे। नाइस यार, बेस बढ़िया लगा मुझे देखकर, ओपी, एक भी डिफेंस नहीं है बंदे के पास, एंड काफ़ी अच्छे अभी तक एक्टिव प्लेयर है, वॉर भी खेलता है, बढ़िया यार, क्या ही बोले यार। नाइस यार, देख सकते हो आप लोग ट्रूस में इसने जो काम की, इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक शायद से करता होगा, इलेक्ट्रो ड्रैगन अपग्रेडेड है, लेवल 2 का इलेक्ट्रो ही मारता होगा। बेस आर्मी कैंप में भी देख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रो ही अपग्रेडेड है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड गिफ्ट बेस की ओर, जो देखते कैसा बेस होगा और क्या ऐसी यूनिक चीज़ें वो बेस में हम लोग देखेंगे अभी। और ये हमारी आज की सेकेंड आईडी, तो देखते हैं ये आईडी में ऐसी क्या यूनिक चीज़ है जो इसको यूनिक बनाती है। टाउन हॉल 4 की आईडी है गाइज, एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये बंदे ने टाउन हॉल 4 पर क्या ही गजब चीज़ की है, मतलब क्लेन गेम्स इसने कंप्लीट किए टाउन हॉल 4 पे गाइज, वो भी 43 लाख क्लेन गेम्स इसने कंप्लीट किए, वो कैसे यार, मतलब ये चीज़ कोई बंदा कैसे कर सकता है टाउन हॉल 4 पे, कोई बंदा क्लेन गेम्स कैसे खेल सकता है, जबकि क्लेन गेम्स अनलॉक होता है टाउन हॉल 6 पर जाके। तो ये बंदे ने टाउन हॉल 4 पे ही क्लेन गेम्स खेल लिया, वो भी 43,93,000। ओ भाई साहब, मतलब गाइज कैसे हो सकता है यार, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, टाउन हॉल 4 पे कोई क्लेन गेम्स कैसे कंप्लीट कर सकता है। बहुत ओपी आईडी थी गाइज ये वाली भी। अभी देखते हैं हमारी तीसरी आईडी ऐसी क्या है चीज़ें जो उसको इतना यूनिक बनाती है, थर्ड आईडी देखेंगे आज की सर्च करके। तो ये आ चुके हम लोग हमारे थर्ड आईडी में, ये टाउन हॉल 10 की आईडी गाइज, और ये टाउन हॉल 10 नॉर्मल है, अपग्रेडेड है, अच्छा खासा अपग्रेडेड है, बट ये बंदे के गाइज अगर आप लोग वॉर स्टार देखोगे तो इसके वॉर स्टार के तरफ ज़रा ध्यान दीजिए, ये बंदे के 8000 वॉर स्टार है गाइज, 8000 वॉर स्टार, मतलब। एंड ये बंदे के ही नहीं, ये क्लेन का पूरे मैंने सर्च किया, आईडीज देखे मैंने, सभी के आईडी देखे, और आपको मैं दिखाता हूँ सबके वॉस्टर कितने ज़्यादा। ये देखो, ये है टाउन हॉल 3 की आईडी, एंड इसने 776 वॉस्टार्स कंप्लीट किए, मतलब टाउन हॉल 3 पे बंदा हो कि उसके वॉस्टार है 776, ओ भाई साहब, मतलब कैसे। और भी ऐसी बहुत से आईडीज है, ये क्लेन में आपको मैं बताता हूँ, ये है टाउन हॉल 7, एंड इसके वॉस्टार देख सकते हो 7,210 वॉस्टार, मतलब कैसे कर सकते यार इतना ज़्यादा। ओके, और भी आई डीज़ है, एक और आई डी ये क्लेन की, इसमें मैं आपको बताता हूँ, वेट करो, टाउन हॉल 6 की आई डी है, एंड टाउन हॉल 6 या 5 की आई डी आई थिंक,
ओके ये टाउन हॉल 9 तो नॉर्मल है, इसको छोड़ो। ये देखो ये है टाउन हॉल 4 या 5 आई थिंक है, बिल्कुल बता देखते हैं। ओके तो गाइस टाउन हॉल 5 की आइडिया, टाउन हॉल 5 पे ये बंदे ने इतने ज़्यादा वॉच टावर किए, 1500 वॉच टावर कम्प्लीट किया यार, बहुत बड़ी चीज़ है ये उसके लिए। एंड ऐसे हर एक बेसिस के यहाँ पे वॉच टावर आप लोग को दिखाया मैंने। अभी जाते हैं हम लोग गाइस हमारे थर्ड बेस की ओर, देखते हैं ऐसी थर्ड बेस कौन सा ओपी होता है, फोर्थ बेस। ओके ये टाउन हॉल 11 का एंड इसके एक्सपी है गाइस 400 एक्सपी पूरे कंप्लीट किए बंदे ने। एंड इसका अगर आप बेस देखोगे ना आप बौखला जाओगे देखकर। ये देखो ये है टाउन हॉल 11 की आईडी, जो हम लोग ने फर्स्ट आईडी देखी थी उसी की तरह है, बट इसमें एक कैनन है बंदे के पास। बाकी ये बंदे ने सब चीज़ें ओपी की है, खाली इसके पास एक कैनन इसने खरीदा है, बाकी कुछ खरीदा नहीं है डिफेंस के नाम पर। बहुत बढ़िया यार, रिसोर्सेज अपग्रेडेड कर ले, मतलब अपने जो आर्मी कैंप्स होते वो अपग्रेड कर लेके, एंड एलेक्जर कलेक्टर हो गए, गोल्ड स्टोरेज हो गए, गोल्ड सब कुछ यार, मतलब क्या ही बोलूँ, कलेक्टर के नाम पे सब मैक्स है बंदे के। एंड टाउन हॉल 11 के आईडी 400 एक्सपी कर रखी है बंदे ने। डोनेशन अचीवमेंट्स अगर आप लोग देखोगे तो सभी के सभी 3 स्टार कर रखे, खाली एक अचीवमेंट उसका रह गया है जो कि होता है ना अपना क्या बोलते हैं उसको, सैज मशीन वाला, वो टाउन हॉल 12 पे अनलॉक होगी। तो बाकी सब ये बंदे ने ओपी किया है। नाइस यार, बहुत बढ़िया आईडी लगी मुझे। अभी जाते गाइस हम लोग हमारे फोर्थ आईडी की ओर, फोर्थ नहीं सॉरी फिफ्थ आईडी आई थिंक, देखते चलो कौन सी भी हो, देखना तो ज़रूरी है। अभी जाते हम लोग गाइस ये क्लेन में, एक और आईडी मैंने देखी थी, रुक जाओ वो भी दिखा देता हूँ पहले आपको मैं। ये है टाउन हॉल 2 की आईडी, एंड गाइस इसने टाउन हॉल 2 पे क्लेन ज्वाइन कर रखा है। और गाइस हम लोग अभी अगर क्लेन कैसल ओपन करने जाए टाउन हॉल 2 के ऊपर, तो हम लोग टाउन हॉल 2 पे क्लेन कैसल अनलॉक कर ही नहीं सकते, अपनी स्टोरेज उतनी होती ही नहीं टाउन हॉल 2 पे। अपने को टाउन हॉल 3 अपग्रेड करने के बाद ही क्लेन कैसल हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। तो गाइस ये आईडी भी बहुत ओपी थी, यूनिक ही बोल सकते ये आईडी को भी। हम लोग अभी जाते हैं हम लोग हमारे 6 बेस के ऊपर, देखते हैं हमारा 6 बेस गाइस कैसा होता है, ऐसी क्या क्या यूनिक चीज़ें हम लोग को देखने मिलती 6 बेस पे। तो हम लोग आ चुके 6 बेस का नेम है इवान करके नेम का एक बंदा है, उसके एक्सपी देखोगे आप 255 एक्सपी, एंड वॉच स्टार भी काफ़ी है गाइस 3330 वॉच स्टार है बंदे के। एंड ये देखो यार टाउन हॉल 3 की आइडिया है, एंड आप लोग अगर देखोगे ये बंदे के पास बहुत से ऐसी चीज़ें इसने खरीद रखे जो हम लोग CWL खेल के खरीद सकते, 3330 वॉच स्टार से बंदे के। और गाइस अगर स्टैचूज की बात की जाए तो ये बंदे के पास लगभग सभी स्टैचूज है, द मास्टर स्टैचू, द कंटेंडर स्टैचू एंड द चैलेंजर स्टैचू, जो कि आते 1000, 500, 250 इतने ज़्यादा मेडल्स के आते, वो सभी स्टैचू ये बंदे ने खरीद रखे। मतलब ये बहुत पुराना प्लेयर है, बहुत पहले से खेलते आ रहा है, और इसने अच्छी खासी आईडी अपनी मेंटेन भी करके रखी है। स्किन अगर आप देखोगे तो स्किन भी बहुत बढ़िया है एंड बहुत ओपी। अगर डोनेशन की बात की जाए तो गाइस ये बंदे ने टाउन हॉल 3 पर होकर 22 लाख डोनेशन किए, 22,10,000 डोनेशन ये बंदे ने अभी तक कम्प्लीट किया यार गाइस, ये बहुत बढ़िया अचीवमेंट है यार। मतलब 22 लाख डोनेशन देना, वो भी टाउन हॉल 3 से यार, मतलब लेवल बारबेरियंस जाएंगे, आर्चर्स जाएंगे एंड जायंट्स जाएंगे, बस वो भी लेवल ओनली 1, 2, 1 तो नहीं जाएंगे, लगभग जाएंगे 4 या कितने के, तो भी गाइज बहुत ओपी अचीवमेंट है वो बंदे की। आज के लिए गाइज इतने ही आईडी देखते हैं, अगले वीडियो में और भी आईडीज देखेंगे एंड और भी ओपी बेसिस हम लोग ज़रूर देखेंगे। अगर एक ही वीडियो में सभी बेसिस देखने जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप लोग के पास ऐसे और भी यूनिक एंड ओपी से भी बढ़िया वाले बेसिस होंगे तो उसकी जो टैग होती है मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊंगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही, एंड एक लाइक ज़रूर कर लेना, जो नए बंदे आ रहे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। तो लेट्स गो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, और गाइज डेली लाइव स्ट्रीम भी ज़रूर होती है तो आप लोग आकर ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो स्ट्रीम, एंड आपकी आईडी शेयर कर सकते हो, मैं ज़रूर विजिट करूंगा। तो लेट्स गो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो, बाय बाय गाइज, टेक केयर। It's a game, am I gonna play?